अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर पेज नंबर 32 ऑन आवर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। वी स्टार्ट अ न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 5, पोएम। पोएम द नेम ऑफ द पोएम इज एक्जिमस अवेकिंग। अवेकिंग नॉट किनिंग, एन इज साइलेंट। अवेकिंग एक्जिमस अवेकिंग। You have to read this poem by on your own. I only read the vocabulary words which are difficult to you. Tickled, delighted, tickled, delighted. Sled, scatfall, sled, scatfall. Hammock, compartment, our bed, our bedroom. Yand, open mouth wide. Stretched, span or extended. Dash, rush or run or move. Burst, crack or eruption. Shivered, vibrate or shudder. Canvas, small, long, narrow boat. Terrible, awful or dreadful. Now I will tell you the theme of this story or the summary of this story. इस स्टोरी में एक्जिमस, एक्जिमस एक ऐसा लड़का है जो कि सुबह उठता है और उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। इस आर ड्रीम इन द मॉर्निंग, हर सुबह हर मॉर्निंग की तरह सन ने इस सुबह भी उसकी आईज को टकल कर दिया अपनी लाइटनिंग से। वो अपने बेडरूम से या कंपार्टमेंट से उठा, उठ के बाहर आया। देन ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को स्ट्रेच किया और अपना मुंह, अपने माउथ को ओपन किया। आई फेल्ट लाइक अ स्प्लैश इन द कोल्ड मॉर्निंग वाटर। सुबह सुबह ठंडे पानी के अंदर मैंने एक स्प्लैश अपने फेस पे फेंका। डैश टूवर्ड्स द पॉट टू द सी, और मैंने समुंदर की तरफ जाते हुए रास्ते की तरफ भागना शुरू कर दिया। इससे पहले कि अम्मा उसको किसी भी वर्क के लिए बुलाती, एज आई बर्स्ट थ्रू द ब्रश थ्रू द बुश, उसने बुश के अंदर से छलांग लगाई। एट द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी तक। I froze and I shivered, वो वहीं पे फ्रीज हो गया और उसने शिवरिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। My heart stood still, उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा था एक ग्रेट कैनवस, एक ऐसा घर, एक ऐसा जिसमें बादल हैं और कपड़े लटके हुए हैं पोल्स के साथ, कपड़े हैंग किए हुए हैं पोल्स के साथ, और फुल विंड की वजह से वो स्ट्रेंज फ्राइटनिंग थिंग्स जो हैं सी के ऊपर मूव कर रही हैं। मैंने सरगोशी की, आई विस्पर्ड एंड न्यू दोज टेरिबल कैनवस। आई विस्पर्ड, मैंने सरगोशी की और मुझे पता था ये टेरिबल कैनवस जो हैं सिर्फ मेरे लिए ही आ रही हैं। नाउ दिस इज़ द थीम ऑफ योर स्टोरी। यू हैव टू रीड दिस कम्प्लीट स्टोरी बाय ऑन योर ओन।